टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी एक मेहंदी पैक जो कि आपके बालों में गहरा कलर देगा, साथ ही साथ आपके बालों में शाइन भी देगा। हेयर ग्रोथ के पर्पज से भी अच्छा है, हेयर फॉल अगर हो रहा है उसके लिए भी अच्छा है, और अगर आपके बाल मेहंदी लगाने के बाद ड्राई हो जाते हैं तो ये हेयर पैक आपको ड्राइनेस नहीं देगा। साथ ही साथ बहुत सारे और मेरे वीडियोस हैं बालों के झड़ने पे, बालों को उपाला करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, और आप लोगों का फीडबैक भी है कि वो रेमेडीज वर्क करती है, बिकॉज मैं रिसर्च करती हूँ उसके बाद अप्लाई करती हूँ तभी आपके साथ उसका रिजल्ट भी शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा पैक, इसका कलर देख सकते हैं आप लगाने से पहले का कलर कितना अच्छा सा कलर है इसका, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेहंदी निकलती नहीं है, बालों में इचिंग करती है या फिर स्कैल्प में चिपक सी जाती है, अच्छे से पानी से धोने के बाद भी आपके बालों से मेहंदी नहीं निकलती है, या फिर दर्दरी सी होती है लगाने में, क्रीमी टाइप नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी और क्रीमी, और साथ ही साथ ये स्कैल्प में जो इचीनेस होती है उसका भी सॉल्यूशन इसी में है। और अगर आपको गहरा कलर चाहिए तो भी ये मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं लोहे की कढ़ाई इसमें कंपलसरी है, मस्ट है, तभी आपका इसका कलर अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा सा कलर भी देता है ये आपके बालों पे। मेहंदी पैक बनाने के बाद मेहंदी लगाने के टाइम पे या फिर मेहंदी वॉश करने के टाइम पे हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसमें आपको अच्छे से कलर नहीं मिलता है, साथ ही साथ आपको जो मेहंदी लगाने की मेहनत की है वो बेकार चली जाती है। तो फ्रेंड्स मेहंदी लगाने के लिए सबसे पहले आपके जो बाल होते हैं वो धुले हुए होने चाहिए, आपके स्कैल्प पे कोई भी डर्ट डस्ट या फिर कोई भी किसी टाइप का ऑयल नहीं होना चाहिए। आप जब बालों को धोते हैं मेहंदी लगाने से पहले तब आपने कोई भी कंडीशनर या हेयर सीरम नहीं लगा हुआ होना चाहिए आपके बालों के ऊपर। आपके बालों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शैम्पू ही लगा होना चाहिए, मीन्स शैम्पू से धुले हुए बाल होने चाहिए। एक दिन पुराने धुले हुए भी चल सकते हैं, बट आपने उसमें कंडीशनर या फिर कोई भी हेयर सीरम नहीं लगाना है। उसके बाद जब आप अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं छोटी छोटी लेयर करके लगाया करिए, और जो हमारी रूट होती है उसको पहले कवर किया करिए, उसके बाद अपने बालों पे, बालों की पूरी लेंथ पे बना सकते हैं। एप्लीकेशन का फुल वीडियो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं जिसमें आप पूरा हाई बन बना लेते हैं, ऊपर बन बना लेते हैं, बहुत स्लीक सी मेहंदी लगती है और साथ ही साथ आपकी मेहंदी जो है वो अच्छे से टिकती भी है, और उसको आप 4-5-6 घंटे के लिए भी रखेंगे तो आपका सिर भारी नहीं होता है। तो इस तरीके से मेहंदी लगानी है कि हमारे बाल जो है, बालों का भार जो है हमारे हेड पे हो, टॉप पे हो, ताकि हम अगर लगा के उसको रखते भी हैं 4-5 घंटे तो हमारे ना तो सिर में दर्द हो ना ही हमारी गर्दन में दर्द हो। तो इस तरह से आप मेहंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आपने शावर कैप ज़रूर पहननी है, शावर कैप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको गर्मी लगती है तो शावर कैप में थोड़ा सा होल कर लिया करिए, और होल करने से आपका जो मेहंदी है उसका कलर तो डार्क आता ही है, जो पसीने की प्रॉब्लम होती है वो चली जाती है। तो आप कम से कम 3 घंटे के लिए अपनी मेहंदी को रखा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 घंटे के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से वॉश करना होता है। नॉर्मल पानी से जब हम वॉश करते हैं उसके बाद मेहंदी अच्छे से निकल जाए, आपने एप्पल साइडर विनेगर का कंडीशनर लगाना है। ये हम घर पे बनाएंगे, इसके लिए आपने एक पैन लेना है, पैन में पानी डालना है, 1 गिलास पानी डालना है, हल्का सा गुनगुना कर ले, चाहे तो आप हल्का सा इसको गुनगुना करेंगे सिर्फ, और उसके बाद 1 चम्मच के जितना एप्पल साइडर विनेगर विद मदर वाला डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब आपके बाल धुल जाते हैं तब आपने इसको रिंस करना है, लास्ट रिंस इसको कह सकते हैं कि आपने इसको रिंस करना है, अपने बालों पे ये पानी डाल देना है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है, और फिर सिंपल पानी से आपने वॉश कर देना है। नाउ ये जो एप्पल साइडर विनेगर का रिंस है ये आपके बालों को स्मूथ तो बनाएगा ही, आपके बालों में मेहंदी के कलर को डार्क भी करेगा, साथ ही साथ अगर आपको मेहंदी या कोई भी चीज़ लगाने से स्कैल्प में इचीनेस होती है तो भी ये उसको ठीक करता है। तो ये मैथड मैं अप्लाई करती हूँ वॉश करने के बाद। ये मैंने चीज़ें आपको पहले इसलिए बताई क्योंकि मेहंदी पैक बनाने के बाद आप वीडियो को अधूरा ही छोड़ के चले जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि उसको लगाने का तरीका और उसके बाद का जो पॉइंट्स हैं उसको हमने किस तरह से कवर करना है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम इसके बाद पानी से धोना है या फिर शैम्पू से धोना है, या फिर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जो जिनका रिप्लाई मेरे वीडियोज़ में ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने लेना है एक पैन, आपने एक पैन लेना है उसमें 2 गिलास पानी डाल देना है, 2 गिलास के जितना मैंने पानी डाला है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे
चाय पत्ती। नाउ चाय पत्ती जो हम डालेंगे घर पे जो यूज़ होती है वो वाली चाय पत्ती डालेंगे। 2 चम्मच मैंने चाय पत्ती डाली है, आप इसमें कॉफ़ी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। और उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे ब्लैक टी लीव्स, ब्लैक टी की लीव्स ली हैं ये भी 2 चम्मच के जितनी ली है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डाला है हिबिस्कस फ्लावर्स का पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर्स अगर आपके पास फूल हो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि आपके जो बाल हैं सॉफ्ट शाइनी भी हों और आपके बालों में ड्राइनेस की बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। नहीं हो तो जो जो ताज़े फूल होते हैं वो डाल दीजिएगा, 3-4 फूल ले सकते हैं और डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको अच्छे से बॉईल कर लें जब तक ये आधा नहीं रह जाता, और उसके बाद आप छान लेंगे। छानने के बाद हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो हमारे पास 1 गिलास पानी आ गया है। उसके बाद हम लेंगे लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई कंपल्सरी है, लोहे की कढ़ाई लेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे मेहंदी। यहाँ पर मैं नेचुरल हिना लीफ मेहंदी, हिना हब की यूज़ कर रही हूँ। ये नेचुरल मेहंदी है, मीन्स इसमें कोई भी हर्ब मिक्स नहीं है, प्लेन मेहंदी है जो कि हम हाथों पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ, मेरे स्पून जो है बड़े हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 चम्मच डाले हैं, और अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग डाले हैं। और मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने वाली हूँ, तो ये पैक मैं मीन्स थिक इसकी लेयर लगाऊंगी, तो उस हिसाब से मैंने 3 चम्मच बड़े चम्मच मैंने इसमें मेहंदी के डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पे हिना हब का हिबिस्किस पाउडर। नाउ ये हिबिस्किस पाउडर जो है ये आपके बालों को डार्क करने में, बालों के कलर को डार्क करने में और बालों को जड़ से मजबूत करने में, और आपके बालों को बालों में सिल्की और बालों को शाइनी और सिल्की बनाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के जितना लिया है हिबिस्किस पाउडर। उसके बाद फ्रेंड्स हमने डालना है यहाँ पे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर हमारे बालों को काला भी करेगा, तो यहाँ पे 1 चम्मच के जितना मैंने आंवला पाउडर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर भी फ्रेंड्स मैंने 1 से थोड़ा सा कम डाला है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। बाद मैंने लिया है शेकाकाई पाउडर। शेकाकाई पाउडर का मैं 1 चम्मच के जितना लूँगी। तो मैंने लिया है रीठा पाउडर। रीठा पाउडर मैं यहाँ पे आधा ही स्पून डालूंगी। और उसके बाद फ्रेंड्स इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने इसका कंकुशन तैयार करना है। और पानी आप जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से डालेंगे, थोड़ा सा गाढ़ी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है ताकि जब आप नेक्स्ट डे इसको यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी ये हल्की सी पतली भी हो जाती है, और साथ साथ अगर चाहिए, अगर आप साथ साथ आप इसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली नहीं करिएगा, लगाते टाइम आप देखिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी को पतला करना है तो आप बाद में करिएगा। इस तरह से आपने अच्छे से पैक बना लेना है और इसको प्लास्टिक के रैपर से रैप कर देना है। अच्छे से रैप करेंगे इसको, कम से कम 1 दिन के लिए रखेंगे, और उसके बाद देख सकते हैं आप इसका कितना अच्छा सा कलर आया है। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम कलर को डार्क करने के लिए असेंशियल ऑयल डालेंगे, जिसमें मैंने यूज़ किया है यूकेलिप्टस ऑयल और लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। तो दोनों ऑयल्स को मैंने डाला है 4-4 बूंदे, और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। लौंग के तेल से आपके मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता है, यूकेलिप्टस मीन्स नीलगिरी का तेल से भी आपके बालों का कलर बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे खुशबू भी अच्छी आएगी। जिसको हिना पैक लगाने के बाद हेडेक होता है वो भी नहीं होगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आपने अप्लाई कर लेना है, धुले हुए बालों के लिए रखना है, उसके बाद पानी से वॉश कर देना है, 1 दिन के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद आप ऑयलिंग करेंगे, अच्छे ऑयल यूज़ करेंगे, अच्छा शैम्पू कंडीशनर यूज़ करेंगे, तो आपके बालों से कलर नहीं जाएगा और बहुत ही अच्छा सा प्यारा कलर आएगा। और इसको आप 15 दिन में 1 बार लगा सकते हैं, और महीने में 2 बार लगाएंगे तो आपको 2-3 महीने में ही आपके बालों में बहुत ही अच्छे से फर्क नज़र आने लगेगा। आफ्टर रिजल्ट भी देख सकते हैं कि बालों में शाइन तो आई ही है, साथ ही साथ कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।